दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकवादी शाहनवाज और साथियों ने पूरे मॉड्यूल की प्लानिंग पर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या खुलासे किए गए हैं, ये एक एक करके हम आपको बताते हैं। इन आतंकवादियों के निशाने पर देश के कुछ मंदिर और बड़े स्थान थे, ये जानकारी सामने आई। इसके अलावा मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित खबाद हाउस भी इनके निशाने पर था, वहां पर भी अटैक की प्लानिंग की गई थी। अयोध्या का राम मंदिर समेत कई बड़े मंदिरों की जानकारी भी इन्होंने जुटाई थी। और इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इन्हें देश के कुछ बड़े नेताओं को टारगेट करने का मिशन भी दिया गया था। मोहम्मद शाहनवाज ने तो पुणे के वेस्टर्न घाट की रेकी भी की थी। और आपको बता दें कि इनकी जो प्लानिंग थी वो 26/11 हमले से भी बड़ा हमला करने की थी और बड़ा अटैक करने की थी। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि शाहनवाज को धमाके करने की ट्रेनिंग का आदेश दिया गया था। उससे ये कहा गया था कि धमाका किया जाए जो लोकेशंस उसने रेकी की थी वहां पर। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसकी पत्नी मरियम भी इस साजिश का हिस्सा थी, यानी महिलाओं को भी इस साजिश में शामिल किया गया था, उनका भी इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग थी। आईएसआईएस मॉड्यूल के पकड़े गए कथित आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ पर आरोप है कि अयोध्या के राम मंदिर और मुंबई के तमाम लोकेशन पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लखनऊ के कैंपबेल रोड से कथित आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। कथित आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां से मोहम्मद रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको सीधे वो स्पॉट दिखाता हूं, आप देखिए ये वही स्पॉट है, प्लॉट नंबर 99 हरी सिंह फार्म हाउस के इलाके से गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद रिजवान अशरफ को। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुल 3 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक मोहम्मद रिजवान अशरफ है। बताया ये जा रहा है कि इन्हें टारगेट दिया गया था, अयोध्या का राम मंदिर समेत मुंबई के कई इलाकों को टारगेट दिया गया था। 26/11 से भी बड़ा हमला करने के फिराक में ये लोग थे। और मैं आपको सीधी तस्वीरें उस लोकेशन की दिखा रहा हूं जहां से गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद रिजवान अशरफ की, जो कि कथित आतंकी है। दिल्ली पुलिस ने जिस आईएसआईएस ऑपरेटर शाहनवाज को गिरफ्तार किया है वो और उसके साथी आतंकियों की साजिश उत्तर भारत को दहलाने की थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी, ये भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। शाहनवाज दिल्ली और पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का ऑपरेटिव है और सूत्रों से ऐसी खबर भी है कि शाहनवाज आईईडी और बम बनाने में एक्सपर्ट है और यही उसकी प्लानिंग का भी हिस्सा था, जिसके लिए कई जगह पर ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए वो जगह भी तलाश चुका है, जगह की रेकी भी कर चुका था। शाहनवाज ने मार्च 2021 में अलीगढ़ में बसंती पटने से शादी की थी और बाद में आपको यहां बता दें कि धर्म परिवर्तन करवाकर बसंती का नाम मरियम रख दिया गया था। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी सामने आई है कि धर्म परिवर्तन करके उसने मरियम को भी आईएसआईएस मॉड्यूल से जोड़ दिया था, यानी मरियम भी उसकी इस पूरी प्लानिंग और साजिश का हिस्सा थी।